और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से, अरे महिला हो कुछ जानती नहीं हो महिला को, अरे अरे बोल रही है कहां से आते इन लोगों के साथ जो है ये लोग, कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद ना महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो फालतू बात। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो, अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे, और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। हाँ तो आप समझ लीजिए, ये हम चाह रहे थे कि लोग समझते, और एक एक चीज को हम लोगों ने लागू कर दिया, जो भी तय कर दिया था, पिछड़ों का जितना ज्यादा जो आया तो इसलिए जो भी होता था 50% उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, और ये सब की संख्या जो बढ़ी तो हम लोगों ने 50% की जगह 75% किया, और 10% केंद्र सरकार ने अपर कास्ट के लिए किया था, उसमें हिंदू मुस्लिम सब थे, तो उनका जो भी था 14% वो रहा, और हम लोगों ने उसके लिए ये करवा दिया, ये लागू कर दिया। और यही नहीं, आप इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि हम लोगों ने हर परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी ली और हर परिवार के बारे में जानकारी ली, और उसमें पता चला कि 94 लाख और उसमें चाहे वो अपर कास्ट के हों, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, सबको देखा गया। और जो 94 लाख गरीब आए, और उसके लिए हम लोगों ने सरकार से तय कर दिया कि हर परिवार को 2-2 हजार हम देंगे, और उनको देना शुरू कर दिया अब 5 साल के लिए, और इसके बाद और 9वें नंबर पर करने के लिए भी हम लोगों ने किया। तो अभी पटना के हाई कोर्ट ने रोका, और तत्काल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है कि जो हाई कोर्ट का है फैसला उसके खिलाफ राज्य सरकार ने किया, और केंद्र सरकार को 9वें नंबर पर का जो हमने दिया है उसके लिए भी अनुरोध किया। तो ये सब काम कर रहे हैं, तो आप लोग किस बात के लिए यहाँ पर हम लोगों के खिलाफ? देखिए मुख्यमंत्री जी, हम लोग आरक्षण के मुद्दा पर प्रदर्शन कर रहे थे कि आरक्षण मिलना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इसी पर मुख्यमंत्री ने भड़क गए कि महिला आ गई है, कैसे आ गई, क्या जानती है, कुछ जानती है? अब बताइए, मुख्यमंत्री तो महिला विरोधी है, महिला को तो सम्मान देना चाहिए, महिला ही सब कुछ है। महिला को आगे बढ़ाने की बात लगातार करते हैं बात, लेकिन धरातल पर महिला को क्या होता है वो तो नहीं देखते हैं। हम भी महिला हैं, हम भी गरीब समाज से आए हैं, बताइए 1 जून के हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया, गालियां दिया गया, भद्दी भद्दी गालियां दिया गया, बदमाशों के थ्रू आज तक कुछ नहीं हुआ। माफी मांगनी चाहिए आपसे? बिल्कुल, सारे महिला के बात है, इसमें व्यक्तिगत मेरे नहीं है, पूरे महिला को अपमानित किए। क्यों ऐसा हो रहा, बार बार इसी तरह की घटनाएं सदन में घट रही है? क्यों, देखिए मुख्यमंत्री जी के अब दिमाग उमाग सही नहीं है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, उनको तो हट जाना चाहिए था गद्दी से, मुख्यमंत्री गद्दी को छोड़ देना चाहिए था, और महिला से लड़ाई लेते हैं, महिला को सम्मान दिए हैं नहीं दिए हैं आज तक सम्मान, बोलते हैं लेकिन सम्मान नहीं देते हैं।